YouTube कैसे बन सकता है एक इनकम सोर्स, मोनेटाइजेशन क्या होता है, मोनेटाइजेशन का क्या क्राइटेरिया है, मोनेटाइजेशन के बाद क्या होता है, कैसे हमारा चैनल सिर्फ एक मिनट में मोनेटाइज हो गया, ग्रीन डॉलर भी आ गए लेकिन वीडियो पे ऐड नहीं आ रहे, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो क्या है कि जैसे जैसे हमारी फैमिली ग्रो कर रही है, चैनल ग्रो कर रहा है, आप सबका साथ बन रहा है, बढ़ा हुआ है, उसी के साथ हम भी कुछ चेंजेस करते आ रहे हैं। उसी में हमने जो है ये चैनल के लोगो वाली एक टी-शर्ट जो है बनवाई है, देख सकते हैं, जिस पे आगे आपको मिरेकुलस क्लासेस दिख रहा है, पीछे जो है मेरा नाम जो है प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसी ही टी-शर्ट जो है चाहिए, बनवानी है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस पे अगर ज्यादा कमेंट होंगे, ज्यादा बंदे इंटरेस्ट होंगे, तो हम इस पे भी जो है कुछ प्लान करेंगे, कुछ अच्छा सा आप सबके लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोनेटाइजेशन क्या होता है, तो आपको अगर YouTube को एज अ इनकम सोर्स बनाना है तो आप इस पे जो है वीडियो डालें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसका कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया है क्या है, वो आप अगर एज अ यूट्यूबर बनना चाहते हैं या यूट्यूब पे वीडियो डालना चाहते हैं तो आपने इसको गूगल भी किया होगा या देखा भी होगा, वो क्या है कि एटलीस्ट 1K सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए, ठीक है। जो कि क्या है कि आपका चैनल जो है एज अ जो है यूज हो सकता है, जिससे आप पैसे जो है आपकी इनकम जो है आने लगेगी। उसके बाद क्या होता है, यूट्यूब आपके जो चैनल है, आपकी वीडियोस हैं, उनको यूज करता है, उनके थ्रू जो है औरों की जो वीडियोस हैं उनको एडवर्टाइज करता है, जिसका रेवेन्यू आपको मिलता है। ये तो हो गया क्राइटेरिया की बात। अब आते हैं कि हमारा चैनल सिर्फ एक मिनट में कैसे मोनेटाइज हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको पहले स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे हमारी जर्नी के, कैसे जो है वॉच आवर धीरे धीरे, 2-3 स्क्रीनशॉट मैंने रखे हैं कि कैसे वॉच टाइम जो है धीरे धीरे बढ़ रहा, ठीक है। तो जैसे ही 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट हुए, ठीक है, मुझे अप्लाई नहीं करना पड़ा। वैसे नॉर्मली क्या है, आपको अप्लाई करना पड़ता है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, लेकिन मुझे अप्लाई नहीं करना पड़ा। जैसे ही 4000 आवर्स कंप्लीट हुए, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, अप्रूव हो गया बिना कुछ किए। तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो आपको मोनेटाइजेशन सेक्शन वाला स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इसके अंदर देखिए, जूम करके देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि 15 फेब 2018, ठीक है, ये डेट है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कॉलेज टाइम पे ही क्या है यूट्यूब चैनल, तो आप जब एक कमेंट करते हैं किसी की वीडियो पे तो आपका यूट्यूब चैनल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, जो आपकी जीमेल आईडी है उसी के नाम से, आप उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल तो 2015 में अगर आप जाओगे अबाउट में, तो आपको दिखेगा कि 2015 में ही चैनल बन गया था, लेकिन जो 2018 में मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी कॉलेज टाइम पे, ऐसे ही हमने भी सुना था कि YouTube से इनकम होती है, होता है, तो हमने भी चैनल बनाया था। मैंने एक सॉन्ग जो है, सॉन्ग वीडियो और स्टेटस वीडियो एडिट करके डाली थी, जो मैंने अभी प्राइवेट की हुई है, मैं उसे पब्लिक नहीं कर सकता, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जब वो डाली थी तो उस टाइम पे ऑप्शन आ रहा था कि कनेक्ट अस, ठीक है, या एडसेंस अकाउंट क्रिएट करें, इस टाइप का एक ऑप्शन था। मैंने उस पर ओके किया, मैंने डिटेल वगैरह डाली, ठीक है, और वो जो है मेरा अकाउंट बन गया, ठीक है। लेकिन मैंने उस पर आगे कुछ काम नहीं किया, तो वहीं पे जो है होल्ड हुआ, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कोई मोनेटाइजेशन वगैरह नहीं हुआ। लेकिन अब जो है 2020 के अंदर, ठीक है, आपको पता ही है हमारा चैनल कैटेगरी क्या है, एजुकेशन चैनल। आपको यहाँ पे स्कूल लेवल से लेके कंपटीशन लेवल तक की आपको एजुकेशन की वीडियो मिलती हैं, और आपको यहाँ पे ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे मैं भी आपको ये एक्सपीरियंस जो है शेयर करना चाहता था, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके साथ बना रहा हूँ। तो मैंने 2018 में अप्लाई कर दिया था, तो जैसे ही मेरा क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ, जैसे ही मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया बिना किसी अप्रूवल के, मुझे कोई जो है अप्लाई नहीं करना पड़ा। अब जैसे ही अप्लाई हो गया, सारी वीडियोज पे एक ऑप्शन आता है कि मोनेटाइज ऑल वीडियो, तो वो करने के बाद सारी वीडियोज पे आपका ग्रीन डॉलर आ जाएगा लेकिन एड नहीं आ रही। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ इस पे मिलेंगी कि ऐसे करो, मेल करो, ये करो, ठीक है। तो 99% केस में इसका सॉल्यूशन है कि आप कुछ मत करो, आप वेट करो।
इसके पीछे रीजन बताता हूँ। अगर आपका मोनेटाइज हो गया और आप नई वीडियो भी मोनेटाइज करते हैं, उसको रिव्यू होने में 15 से 20 मिनट्स लगती हैं एक वीडियो को। तो जब आप एक साथ अपनी सारी वीडियोस को मोनेटाइज कर रहे हैं तो उसे अप्रूव होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपका 10 से 12 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है। मुझे भी 12 आवर्स का टाइम लगा था, ठीक है। रात को दिन में 12:30 बजे अपने आप जो है मोनेटाइज हो गया था। मैंने 1 बजे तक सारी वीडियो मोनेटाइज कर दी थी और रात को 12 से 1 बजे के बीच में चैनल मोनेटाइज हो गया था। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपकी अपने आप ही ऑटोमेटिक ऐड आने लगेंगे, ठीक है। और आप सबको मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि वीडियो पे व्यूज, लाइक, कमेंट, इसका कोई भी जो है रिवेन्यू नहीं है, इससे कुछ भी नहीं मिलता है एक यूट्यूबर को। मतलब आप अगर वीडियो को अभी लाइक करोगे, ठीक है, आपको दिखेगा कि ब्लू हो गया, उससे मुझे कुछ भी रिवेन्यू नहीं मिलेगा। सिर्फ मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरे एफर्ट्स आप तक पहुँचे, आपको पसंद आए और मैं आगे इससे भी ज़्यादा जो है मेहनत के साथ, इससे भी ज़्यादा जो है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और कंटेंट लेके आऊँगा, ठीक है। तो लाइक, कमेंट और इसका आपको कोई भी जो है रिवेन्यू नहीं मिलता, ये दिमाग से आप निकाल दीजिए। क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि अगर मैं वीडियो को लाइक करूँगा, इस पर कमेंट करूँगा तो उसको कुछ मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि ह्यूमन नेचर क्या है, कि वो इतना आगे कैसे जा रहा है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं बनना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपको YouTube से रिलेटेड भी कोई भी क्वेरी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के साथ, जितना मेरा YouTube के साथ एक्सपीरियंस रहा है। जैसे जैसे वीडियोस डाली हैं आपको दिख रहा है हमारा चैनल, ठीक है, पहले स्टार्टिंग से जो जुड़े हुए हैं उनको दिखेगा कि कैसे हमने धीरे धीरे ये चेंज किया है, ठीक है। कैसे आपको बैनर भी दिख रहा है, वीडियोस अरेंज है, कंपटीशन सेक्शन, क्लास 10th के लिए अलग वीडियो, ठीक है, कंपटीशन के लिए अलग वीडियो, प्लेलिस्ट वगैरह, ठीक है, थंबनेल वगैरह भी जो है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं हमने आप सबसे ही सीखी, आप सबके साथ काम करते हुए सीखी हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, ठीक है। कोई भी डाउट है आपको या कुछ भी आपके मन में है तो बस कमेंट कर दिया करो, हम तक वो बात पहुँच जाएगी, मन में नहीं रखना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।